Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 1000 Practical Ideas video series ki next episode mein aapko khush amdeed kehte hain aapke apne channel Alchemist mein. Aur aaj jo product ki formulation hum samjhne ki koshish karenge wo hai mold releasing agent. Isko thoda sa hum explain kar lein ke basically koi bhi PU ka mold bane, polyurethane ka या सिलिकॉन का मोल्ड बने और या स्पेशली जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये बिज़नेस जूतों के सोल्स का होता है और उसकी एक ख़ास डिज़ाइन एक मोल्ड में तैयार होता है और उसको जब मोल्टन उसका रॉ मटेरियल उस मोल्ड में आता है और प्रेस होता है और अपनी शेप में आता है जब मोल्ड उसमें से वापस उसको रिलीज़ बैक अपनी पोजीशन में आता है तो उसके बहुत से मटेरियल जो हैं उसके साथ ऐसे स्टिकी से चिपक जाते हैं. उसको अवॉइड करने के लिए और जो हमारा तैयार हो प्रोडक्ट उसकी शेप डी शेप ना हो उसके लिए मोल्ड रिलीज़ एजेंट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं. तो आज एक छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन जिसके अंदर टू डिफरेंट वेज से ये मोल्ड रिलीज़ एजेंट तैयार हो सकता है. तो इंशाल्लाह ये आपको हम अभी इसकी डिटेल लाइव इसकी डेमोंस्ट्रेशन के साथ आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से मटेरियल किस किस क्वांटिटी में इस्तेमाल होंगे इसमें. जी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और डिश वॉश लिक्विड ये दो मेन इंग्रेडिएंट होंगे इसमें. और 100 ml हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया और इसमें 20 ग्राम जो है वो डिश वॉश लिक्विड जो है वो इसमें डालेंगे. मैं अभी इसको अप्रोक्सीमेटली डाल देता हूँ और इसकी सिंपल मिक्सिंग. और इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के इसको स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है. सो वेरी सिंपल मिक्सिंग और ये प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल तैयार है दो चीज़ों के मिक्स करने से. जी, अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं. एक हमने आपको मोल्ड रिलीजिंग एजेंट की एक वैरायटी के मतलब बताया. अब दूसरी भी इट्स वेरी सिंपल और इसमें कमर्शियल अवेलेबल थिनर हमने लेना है. कमर्शियल अवेलेबल थिनर ये भी 100 ml हमने लिया और इसमें भी अप्रोक्सीमेट 20 ग्राम जो है वो वेजलिन जो वाइट वेजलिन मिले या ब्राउन जो भी वो हमने डालनी है. अप्रोक्सीमेट हमने इसमें 20 ग्राम डाल दी और इसको सिंपल अब चूँकि इसने इसके अंदर इसको डिज़ोल्व करना है हमने और इसके लिए हमें इसको किसी वाटर बाथ में रखना है किसी गर्म पानी के टब में रखना है. तो हमने अभी ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में इसके अंदर रख दिया. ये 15-20 मिनट में इंशाल्लाह इसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी और इसको भी किसी स्प्रे बॉटल में डाल के इन दोनों वराइटीज़ में से वन इज़ अवेलेबल दिस जो हमने पहले आपको डेमोंस्ट्रेशन दी और दूसरी अभी ये इसके अंदर जैसे ही ये डिज़ोल्व हो जाएगा ये वाटर बाथ एक किस्म का हमने बना लिया. और ये मोल्ड रिलीजिंग एजेंट के तौर पे स्प्रे में इसको यूज़ किया जा सकता है. मोल्ड के अंदर इसका स्प्रे करके बहुत से दोस्त इनबॉक्स में आ रहे थे और इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये कैसे बनता है. तो ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है. शूज़ इंडस्ट्रीज़ को इसको टारगेट किया जा सकता है. जो दोस्त इस फील्ड में काम करना चाहते हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अब ये जब डिज़ोल्व हो जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट फेज़ भी आपको इंशाल्लाह हम दिखा देते हैं. जी, ये मोल्ड रिलीजिंग एजेंट हमारा अब तैयार है मोल्डलेस. इसमें अगर पेट्रोलियम जेली जैसे हमने 20 ग्राम डाली अगर ये महसूस किया जाए जैसे कुछ अभी पार्टिकल इसमें अनडिज़ोल्व नज़र आ रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम की जा सकती है. 20 की जगह 15 किया जा सकता है, 10 किया जा सकता है. बहरहाल इट विल वर्क वेरी वेल. ये बोथ फॉर्मुलेशंस किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के इसको स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी मोल्ड के ऊपर. एक डिश वॉश और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फॉर्मुलेशन आपके सामने आ गई और एक पेट्रोलियम जेली और थिनर की फॉर्मुलेशन. ये दोनों काम कर सकती हैं, दोनों को पैरेलल आप चला सकते हैं, दोनों को सेपरेट चला सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्टिव आइडिया. और इंशाल्लाह आज तक के लिए इतना ही और फिर किसी नए प्रोडक्टिव आइडिया के साथ हाज़िर खिदमत होंगे. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.